हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और भाई आज मैं जाने वाला हूँ फिर से हिडन प्लेस में, यानी कि स्पॉन आइलैंड पे। तो मैं जानता हूँ आप सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, स्पॉन आइलैंड में काफी टाइम बाद जा रहा हूँ और ये KR वर्जन का स्पॉन आइलैंड है। तो भाई इस मैच में जो है मेरे को दो फ्लेयर गन भी मिलती है। हालांकि वो दोनों फ्लेयर गन में कहाँ कैसे मिलेगी और उनके अंदर एमओ होती है नहीं होती वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मतलब मेरे को ना लास्ट तक जाते जाते AWM भी मिल जाती है। तो भाई वो कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, कब मिलती है और क्या मैं अपने आप को सर्वाइव करवा पाऊंगा अपने हिडन प्लेस से, तो भाई वो सब देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं ये जो मैप का जोन था ना वो स्पॉनलैंड के आसपास नहीं था। तो इसलिए जो है आप लोगों को गाड़ी पकड़ के मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप लोगों को भी स्पॉनलैंड जाना है तो आप लोग क्या करना, या तो लिपोपका के पास उतर जाओ यानी लॉलीपॉप के पास उतर जाओ, या फिर जो है वहाँ पे जो रोड होती है ना वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाती है इजिली, वहाँ से आप गाड़ी पकड़ के यानी कामेश की साइड से यानी कमलेश की साइड से भाई जो है वहाँ से गाड़ी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो कमलेश की के पास भाई आपको बहुत सारी गाड़ी वाड़ी मिल जाती है, तो इजी रहता है आप लोगों की, और बोट भी मिल जाती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं उतर रहा था रोड की तरफ में और मैं यही चेक कर रहा था कि भाई मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। और आप लोगों को पता है जब भी मैं स्पॉनलैंड जाता हूँ तो भाई मेरे साथ बहुत गलत गलत सीन होते हैं। तो भाई वही जो है मैं देख रहा था कि आसपास कोई बंदा ना आ रहा हो, मतलब कोई मेरे को भाई ऐसा ना हो जाए कि कोई और आए और मेरे को पीछे से मार जाए और गाड़ी से कुचल दे। तो इसलिए मेरे को आसपास अच्छी तरह चेक करना था और मेरे को ना इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई जाते जाते कि मेरे को पता रहता है गाड़ी कहाँ पे है। तो जैसे कि आप इससे मैं डायरेक्ट गाड़ी पे ही, मतलब मैंने जो मार्क लगाया था ऑलमोस्ट वहीं पे गाड़ी थी। तो मतलब भाई देख रहे हो एकदम जादूगर हूँ मैं मतलब इस मामले में। तो फटाफट से यहाँ से मैं धूम मचाते हुए दोस्तों जीप पकड़ता हूँ और निकल जाता हूँ बोट पकड़ने के लिए। अब जैसे मैं धूम मचाते हुए दोस्तों यहाँ पे आता हूँ तो मुझे इजीली यहाँ पे बोट भी मिल जाती है। और भाई इस बोट को आप देखना भी मैं कैसे चेंज करूँगा जादू से अपने, मतलब भाई आज तक मैंने ग्लोबल वर्जन में इतना पबजी खेला, इतना स्पॉनलैंड गया, लेकिन आज तक जो है मेरे को बोट की स्किन नहीं मिली। लेकिन भाई आप देख सकते हो KR वर्जन में आते मेरे को स्किन मिल गई। अब मैं इतना ज़्यादा उतावला था ना स्पॉनलैंड जाने के लिए, मैंने भाई बोट ही फंसा डाली। तो भाई आप देखना, मतलब मैंने कहा था मेरे साथ गलत सीन बहुत ज़्यादा होते हैं स्पॉनलैंड जाते जाते, और भाई बोट फंस गई थी, मैं थोड़ा लो हो गया काम। लेकिन फाइनली भाई ये गाड़ी काम आ गई मेरे। तो आप भी अगर कभी आपकी बोट फंस जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, गाड़ी में बैठना है और थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रेशर के साथ गाड़ी को उस पर टक्कर मारनी है आपकी बोट पे। और जैसे आप बोट पे टक्कर मारोगे फाइनली आपकी जो बोट है वो वापस से पानी पे चली जाएगी। तो भाई मैंने तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट वाले लेवल में, मतलब मैं सोच रहा था मैं ही खिलाड़ा आदमी हूँ, मतलब मेरे से अच्छा कोई जा नहीं सकता, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बोट अटका दी थी। लेकिन दूसरी बार ऐसे मिस्टेक नहीं करता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों धूम मचाते हुए मैं सीधा से स्पॉनलैंड के लिए निकल पड़ता हूँ। अब जैसे ही मैं स्पॉनलैंड पहुंचता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार इन लोगों ने जब से काटे वाटे लगाए हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब क्यों लगा दिए भाई, मतलब रोकना क्यों चाह रहे हो तुम भाई, हम तो आएंगे स्पॉनलैंड। ठीक है, और जॉन करन भी जाएंगे, मतलब भाई जिनको जॉन करन जाना है वो स्पॉनलैंड आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ आप पहुँच जाओगे यार, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन भाई आप पहुँच जाओगे। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आते ही मेरे को सुआ मिल जाता है और शॉटगन मिल जाती है जिसका मेरे को कोई काम नहीं क्योंकि वो चलाता है ओम प्रकाश मिश्रा। और यहाँ पे मेरे को पैन भी मिल जाता है, इससे तो मैं ऑमलेट बनाऊंगा। मतलब आजकल तो एनिमी के सर के ऊपर भी फेंक के मार सकते हैं, लेकिन भाई इसमें ऑमलेट बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप मारोगे ना अगर किसी भी एनिमी के तो भाई वो मरता नहीं है, वो आपका ऑमलेट बना देगा। मतलब पैन तो खा लेगा लेकिन भाई उसके बाद वो जो गन निकाल के आपको मारेगा ना बहुत बुरी तरीके से मारेगा, इसलिए फेंकने वाला सीन तो भाई मेरे को इतना खास लगा नहीं। फिलहाल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहले जॉम्बी हुआ करते थे, तो यहाँ पे आप इससे मेरे को मिल जाता है लेवल 2 का बस्ता स्कॉर्पियन VSS। तो भाई एक मैं VSS भी उठा लेता हूँ क्योंकि अभी तक फिलहाल कोई अच्छी गन नहीं मिली है मेरे को। और यहाँ पे आता हूँ तो भाई यहाँ पे डेजर्ट ईगल पड़ी होती है, तो यार पता नहीं क्या ही नशे होते भाई, मेरे को कोई ढंग की चीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली मेरे को यहाँ पे स्कार का एल मिल जाता है और भाई स्कार का एल फटाफट से मैं उठाता हूँ, हरी गोलियाँ भी उठाता हूँ कमलेश वाली, और साथ ही साथ देखता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का बस्ता मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं लूट काफ़ी अच्छी मिल रही है। और फिलहाल तो मतलब लूट के मामले में भाई मैं यही कहूँगा एवरेज है लूट, ज़्यादा अच्छी लूट तो नहीं मिली। लेकिन अभी देखते हैं मेरे को आगे जाके कहाँ फ्लेयर गन मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर मुझे इस गेम में आगे जाके कहीं फ्लेयर गन मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने टाइटल में तो आप लोगों को दिखाया है भाई डाल के कि मुझे फ्लेयर गन मिलती है। तो भाई फ्लेयर गन तो मिलती है, लेकिन भाई सीन बताऊंगा अभी आपको आगे जाके क्या होगा, अभी आप देखना। ठीक है, तो फिलहाल जो है मैं पहाड़ों से चढ़ के ऊपर आ जाता हूँ ये वाले एरिया में, और भाई इस वाले एरिया में मेरे को आते ही लेवल 1 का कवच मिल जाता है, लेवल 1 का टोपा भी मिल जाता है और 4X भी मिल जाता है। और फाइनली जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई स्पॉनलैंड आने के बाद वो होता है पेट्रोल यानी कि गैस कैन, तो भाई वो भी मुझे मिल जाता है। अब मेरे को थोड़ी टेंशन कम थी कि मैंने कहा अब तो भाई मरूंगा तो नहीं सर्वाइव तो कर जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे पेट्रोल भी मिल जाता है और उसके बाद दोस्तों मैं निकल जाता हूँ सीधा सीधा सी बिल्डिंग की तरफ। जी हाँ, मिलिट्री बेस की सी बिल्डिंग नहीं, इसमें एक सिंगल सी बिल्डिंग है, मतलब आप बोल सकते हो यार कोई नॉर्मल बिल्डिंग है जो
सेम आपकी मिलिट्री बेस में भी होती है, ठीक है। तो भाई मिलिट्री बेस वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं भाई तू मिलिट्री बेस में घूम रहा है, तू स्पॉन आइलैंड में नहीं है। तो भाई अच्छी तरीके से देख लो भाई, ये स्पॉन आइलैंड ही है। तो काफ़ी सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, उनको पता है भाई ये स्पॉन आइलैंड है। तो एक लेजेंड ही जान सकता है कि स्पॉन आइलैंड क्या है और उसकी अहमियत क्या है भाई। मतलब जो नहीं जाता ना उसको भाई बकवास ही लगता है, लेकिन भाई जो जाता है ना उसको पता है कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है ये एडवेंचर करने में। और पूरे पबजी में मतलब सबसे ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ भाई मेरे को स्पॉन आइलैंड ही लगता है। मतलब आने में अलग ही मज़ा आता है भाई। तो मेरे को यहाँ पर ना लेवल 2 का वेस्ट भी मिल जाती है, यानी कि लेवल 2 का कवच मिल जाता है, बम्बानी पेप्सी मरिंडा सब कुछ मिल रहा था। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे टॉमी गन भी थी, और मेरा गलती से ना मैनुअल हो गया था, तो मैं कह रहा था भाई ये क्या नशे हो गए हैं कमलेश वाले। तो भाई मैंने देखा यहाँ तो मैंने गलती से दरवाजे को मैनुअल पे कर दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनली मैंने वापस से इसको ऑटो ऑटो पे करा, और उसके बाद जो है मैं कमलेश की तरफ भागते हुए लूट कर रहा था, क्योंकि जोन आ चुका था और जोन मेरे ले चुका था पप्पी। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मेरे को फटाफट से सारी चीज़ें उठानी थी। तो मैंने यहाँ पे पीछे एक तकिया भी मिल गया, तकिया उठा लिया, मरिंडा उठा ली। और भाई ये सारी चीज़ आपको उठानी बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे नहीं भाई वो बहुत उठा लिया बच जाऊँगा, लेकिन भाई जितनी हो सके ना उतनी लपेट लो, क्योंकि कुछ नहीं पता आपका जोन कहाँ तक पीछा कर सकता है, और आप जोन में कितना खेलने वाले हो आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आप आए हो भैया स्पॉन आइलैंड यानी कि हिडन प्लेस जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा ये जो बिल्डिंग है ऑलमोस्ट लूट लिया था, और मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ क्योंकि मैंने इसकी अभी तक छत नहीं लूटी थी। तो मैं फटाफट से छत की तरफ भागता हूँ और छत पे आता हूँ तो भाई देखता हूँ एक और गैस कैन मिल गया मेरे को, पेट्रोल मिल गया। तो भाई ये दोनों चीज़ मैंने उठा ली, यहाँ पे मरिंडा भी पड़ी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और अब मेरे को कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पे मैं मरने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे लूट हो गए मेरे पास और हेल्थ भी काफ़ी सारी हो गई थी। तो भाई लूट तो अच्छी खासी मिल गई थी, और मैंने कहा भाई ये मरिंडा छोड़ूंगा नहीं, मतलब मेरी इतनी फेवरेट है ना मरिंडा, तो मैंने कहा एक मरिंडा पी लेता हूँ और एक मरिंडा उठा लेता हूँ, क्या हो गया दिक्कत थोड़ी ना है। और यहाँ पे आप देख सकते मेरे को 8x भी मिल चुका है। तो मैं किसी भी तरीके से ना एक स्नाइपर ढूंढ रहा था, क्योंकि स्नाइपर बहुत ज़्यादा काम आती है सोलो में, क्योंकि भाई कसम से भाई अगर एक शॉट मारो बंदे को वो खत्म हो जाता है, ठीक है, नॉक रिवाइव वाला कुछ सीन ही नहीं होता। तो सोलो में ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है अगर आपके स्नाइपर है और आपने बंदे के पास एक हेडशॉट मारना है और वो खत्म। अब फाइनली मेरे को यहाँ पे M416 भी मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं भाई लूट बहुत तगड़ी है, और आज तो पेट्रोल भी काफ़ी सारा था, तो भाई मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी पेट्रोल वेट्रोल को लेके। तो भाई मैंने कहा आज तो अच्छा सर्वाइव होगा यार गेम, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों मैं ढूंढ रहा था एक फ्लेयर गन और मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और यहाँ पे मेरे को दिखती है लगातार पट्टियाँ दो, तो भाई मैंने कहा इनको उठा लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को स्नाइपर उठानी है, तो भाई इसलिए जो मैंने यहाँ पे 7 की बहुत सारी एमओ फेंक भी दी, मतलब भाई इनको रखना किस लिए जब मेरे को बाद में फाइनली उठानी वो है एक स्नाइपर, तो भाई क्यों। लेवल 3 का बैग आप देख सकते हैं, दारू की बोतल पड़ी हुई है, तो भाई मैंने कहा एक दारू की बोतल भी उठाई लेते हैं भाई। तो मैंने ऐसे और जो है मतलब फालतू चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी, बैग में चेक करना शुरू करा क्या फालतू का है, और भाई दारू की बोतल उठाने के लिए भाई मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भैया दारू की बोतल उठ नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दारू की बोतल उठाऊं। और यहाँ पे फाइनली मेरे को मिल जाती है M24। तो आप देख सकते हैं भाई बिल्कुल मतलब बेस्ट लूट है भाई यहाँ पे। हालांकि आपको फ्लेयर गन मिले ना मिले, लेकिन भाई आपको लूट अच्छी मिल जाती है, ठीक है, सोलो में। तो खासकर भाई अगर आपको सोलो में रैंक पुश करनी है, आपको कॉन्कर जाना है, तो भाई आप जा सकते हो भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव भी कर पाओगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का हेलमेट भी मिल चुका है भाई, लेवल 3 का टोपा मिल चुका है, तो और क्या चाहिए भाई। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है ब्राइटनेस कम कर ली थी, क्योंकि भाई फॉग वाला वेदर है आपको पता ही है, तो भाई दिखता नहीं है, अंधे हो जाते सारे सारे इसमें, तो भाई इसमें ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आप इससे एक और लेवल 3 का हेलमेट पड़ा हुआ है, बम्बानी तकिया, मतलब बहुत सारी चीज़ आपको मिल चुकी है। और इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर आप जोन के बाहर खेलते हो ना तो आपको हीलिंग के पॉइंट मिलते हैं, और हीलिंग के पॉइंट अगर आपको मिलेंगे और साथ में आप लास्ट में कुछ बंदे मार दोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्लस होगा, और उसकी वजह से जो है आप इजीली रैंक पुश कर सकते हो। तो भाई सही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को प्रॉपर वे में एक रैंक पुश करनी है तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि आपको स्पॉन आइलैंड आना चाहिए, और आपकी जो है रैंक डेफिनेटली आप देखोगे आप हर सीजन ना एज तो आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब आपको एज पहुंचने में भी अगर दिक्कत आ रही है ना भाई, गारंटी दे रहा हूँ 101% गारंटी दे रहा हूँ आप एज पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप कॉन्कर जाना चाहते हो तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत किल भी करने पड़ेंगे, सिर्फ सर्वाइवल के पॉइंट नहीं, क्योंकि लास्ट में जाके आपको किल भी करने पड़ते हैं अगर आपको कॉन्कर जाना है। तो भाई इसलिए जो है आप पहले यहाँ पे सर्वाइव कर लो, और उसके बाद जो लास्ट में थोड़े बहुत बंदे मार लो तो आप कॉन्कर भी जा सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ से मैं लूट चुका हूँ और मेरे को यहाँ पे फाइनली फ्लेयर गन नहीं मिली, तो मतलब भाई खाली आ जाने पड़ रहा है, क्या करें। लेकिन फाइनली मेरे को एक स्नाइपर मिल गई थी और एक M4 मिल गई थी, तो काम बन जाएगा, ठीक है। AWMME तो नहीं मिली ना, लेकिन भाई आगे जाके मेरे को फ्लेयर गन मिलेगी, जी हाँ, और उसमें भी मेरे साथ स्कैम होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या। फिलहाल दोस्तों मैं निकल पड़ा था जोन की तरफ, क्योंकि भाई जोन ले रहा था मेरी पप्पी और ना निकाल ले मेरी टट्टी, इसलिए मैं फटाफट से धूम मचाते हुए निकल पड़ा जोन की तरफ।
अब दोस्तों जैसे मैं जोन में आते हूँ तो भाई मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी भी खड़ी करी थी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे कुछ पट्टियाँ लगाई ताकि ना निकले मेरी टट्टी, और भाई मैंने साथ में बूस्ट भी मारा और फटाफट से जो है मैं जोन की तरफ निकल पड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जोन में तो आ चुका था और यहाँ पे मैं गाड़ी लेके निकल चुका था क्योंकि मैंने गाड़ी यहीं पे खड़ी करी थी, तो मैं फटाफट से जोन के अंदर तो आ जाऊँगा। लेकिन भाई अब होगी हमारी असली फाइट शुरू, क्या मैं यहाँ पे चिकन ड्रिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मेरी कैसे कैसे फाइट होने वाले ना एनिमी के साथ आप देखते रह जाओगे भाई, मतलब सोलो में तो आपको पता ही है भाई बहुत तगड़े तगड़े कैंपर्स होते हैं, तो भाई आपको बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है सोलो में, तो आप देखते जाइए बस। अब मैं यहाँ से धूम मचाते हुए निकल ही रहता और आप देखना क्या होगा मेरे साथ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड से एक जीप और आती और भाई मेरी उसकी भाई एकदम फाइट जाएगी, मैं रोक देता हूँ, मेरे को पता था भाई इसको फटाफट मारना पड़ेगा, और भाई ये बंदा भी कूद जाता है और भाई कसम से इसने जो जंप मारी थी ना वो मेरे एकदम से ऊपर से चले गई थी एकदम उसकी जंप, तो भाई मैं बाल बाल यहाँ पे बचता हूँ और भाई इसको फिनिश कर देता हूँ। और फाइनली मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक तकिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी पेटी लूटने जाता हूँ, और इसकी पेटी जैसे लूटता हूँ तो भाई मेरी खुशी का ठिकाना रहता है, मेरे को दिख जाती है फ्लेयर, और भाई मैं इतना खुश होता हूँ फ्लेयर देख के, मज़ा ही आ गया भाई फ्लेयर मिल गई है, और यहाँ पे जो मेरे को 6x भी मिल जाता है फिर। लेकिन जब मैं फ्लेयर गन के अमाउंट ढूंढता हूँ ना तो उसको देख के मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब फाइनली दोस्तों यार फ्लेयर गन तो ली लेकिन उसकी एमो नहीं मिली, तो भाई मैंने कहा यार वेस्ट है यार, और इस बंदे पे कोई फ्लेयर वाली गन भी नहीं थी, तो मैंने कहा यार इस बंदे ने करा क्या, कौन सा नशा करा हुआ था भाई, इसने फ्लेयर गन भी इसके पास है लेकिन भाई इसके पास उसकी एमो नहीं है और ना ही कोई वेपन है, तो मैंने कहा भाई ये भाई बंदा बिनाऊ है क्या है, कौन सा बिनाऊ है भाई ये, मतलब फ्लेयर गन की एमो का छोड़ के आ गया, और किसी को इसने अगर मारा भी था तो भाई उसके पास तो कोई गन होगी ना भाई फ्लेयर वाली, तो भाई पता नहीं इसने कौन सा नशा पिया था भाई क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इसके पास मेरे को फ्लेयर गन की एमो नहीं मिलती है, तो मेरा एकदम मूड ख़राब हो जाता है, मैंने कहा हट यार बिल्कुल मूड ख़राब कर दिया इस बंदे ने। और यहाँ पे दोस्तों इससे मेरे को जो है भाई 6x मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं 3x भी फेंक देता हूँ और फ्लेयर गन भी फेंक देता हूँ और 4x भी फेंक के आगे निकल जाता हूँ, तो भाई फटाफट से मैं अब नेक्स्ट बंदा ढूंढता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ ड्रॉप की तरफ क्योंकि मेरे को सरकारी ड्रॉप दिख जाता है और सरकारी ड्रॉप और सरकारी जॉब को कोई भी नहीं छोड़ता है, तो भाई मैंने जो है फटाफट से धूम मचाते हुए सरकारी ड्रॉप की तरफ जाने का फैसला किया। अब दोस्तों मैं धूम मचाते हुए जा ही रहता हूँ लेकिन मेरे को पीछे से फायर का साउंड आता है जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, तो भाई मैं रुक जाता हूँ और मैं सोचता हूँ उसको मारूंगा M24 से, मतलब भाई अपनी स्नाइपर कब काम आएगी। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखना क्या होगा, मतलब मैं जा रहा हूँ तो भाई वो गाड़ी लेके आ जाता है, मतलब ठीक है पहले वो फायर करके मुझे चिढ़ाता है मतलब बुलाता है, और उसके बाद एक और गाड़ी आती है पीछे से जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे पता था लगना है नहीं, ठीक है फिर भी जो है मैं एक दो गोली उसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है उसकी गाड़ियों पर काफ़ी सारी गोलियाँ हिट होती है मेरी, लेकिन भाई वो जो फाइनली यहाँ पर बच जाता है और एक भी गोली जो है उसको नहीं मार पाता हूँ, उसकी गाड़ियों पे ही मार पाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखना भाई वो बंदा गुस्से में आता है, पलट के वार करता है मेरे ऊपर, और भाई मेरी ये गाड़ी ने मेरी जान बचा ली कसम से, मतलब अब देखना मैं उसको स्नेक शॉट मारता हूँ, मैं सोच रहा था डायनामो बन जाऊँगा लेकिन भाई वो शॉट उसके शोल्डर पर लगता है, लेकिन भाई वो जो है सीधा मेरे पे M4 का स्प्रे मार देता है, तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है भाई, मैं तो गया लगता है, और भाई सही बता रहा हूँ यहाँ पे मेरी मौत हो जाती है लेकिन इस गाड़ी ने मुझे बचा लिया बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको रिलोड करता हूँ और सबसे पहले एक तकिया लगाता हूँ चुपचाप से घास में लेट के ही। अब यहाँ पे मैं उस बंदे को देख ही रहा था कि मैंने कहा भाई अब मारेगा एक शॉट और मैं खत्म। लेकिन भाई इतने में अभी ये सीन खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत गलत सीन होने वाले हैं, भाई सामने एक बंदा आता है गाड़ी ठोक देता है, मैंने कहा भाई अब तेरी कमी थी भाई तेरे को उड़ाना था, मतलब भाई सब मेरे पीछे पड़े हो क्या, मेरा कंटेंट नहीं बना रहे थे तुम लगता है, तो और वैसे भी आपको पता है स्पॉलन से मैं आता हूँ वापस तो भाई कोई ना कोई मुझे मार देता है, मतलब अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ किधर छुपूँ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर बंदा साइड में बंदा और मैं गाड़ी उठाऊंगा तो भाई वहाँ से वो मारेगा और यहाँ से ये मारेगा, तो दो स्प्रे मारेंगे तो भाई मैं फूट ही जाऊँगा। लेकिन भाई इतने में क्या होता है ना यहाँ पे एक आता है कमलेश, अब जैसे कि मैंने इस कमलेश को देखा तो मैंने कहा भाई फटाफट से पहले तो इसको ही मार लेता हूँ वरना इसका किल भी कोई और ले जाएगा। अब जैसे मैं इस कमलेश को मारता हूँ तो सामने टावर वाले बंदे को और ज़्यादा पता चल जाता है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है तो मैंने एक तरह से देखा जाए गलती कर दी और बता दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और भाई जो सामने वाला बंदा था ना भाई वो इतना चौदह चंट था ना भाई उसने गाड़ी उठाई और भाई वो निकल गया उस साइड में चूरण की स्पीड में, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई वो भाग रहा है उस पहाड़ी पे, तो और सामने वाला बंदा मेरे ऊपर दारू फेंक रहा था भाई, दोनों तरफ से मेरे को घेर के मारने का प्लान था, और भाई मैं सोचा था करो तो क्या करूँ, मतलब वो बंदा ऊपर पहुँच गया उधर और ये बंदा टावर पे ही है, तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि पहले तो मैं इधर हो जाता हूँ ताकि उसकी गोली ना लग सके मेरे को और भाई इसको मारता हूँ, ठीक है तो मेरा पूरा प्लान था कि किसी तरीके से बस अब इसको मारना है टावर वाले को, क्योंकि भाई वो तो दूर है उसको तो बाद में देख लेंगे, और देखो मेरे ऊपर फायर भी करने की कोशिश कर रहा था वो, तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था करो तो क्या करूँ, तो फिलहाल मैं उसको झांकने की कोशिश करता हूँ एक बार कि भाई मेरे को दिख जाए तो मैं भी उसकी खोपड़ी ओपड़ी तोड़ दूंगा, लेकिन भाई वो मुझे कहीं दिखता नहीं है, ठीक है और भाई फाइनली इस बंदे ने थोड़ी सी यहाँ पे गलती करी और जिस गाड़ी में चल के पता नहीं धूम मचाते हुए मेरे पास क्या करने आ रहा था, तो भाई मैंने इसको गाड़ी में चलते चलते ही भाई यहाँ पे फिनिश कर दिया, और भाई इसका नाम वही था जो RP में आया था, जैसे कि आपको याद होगा सबसे पहला नाम इसी का था RP में,
तो भाई मैंने फटाफट से इसको फिनिश करा और यहाँ से जो है दोस्तों मैंने सोचा पहली फुर्सत में निकल लेता हूँ। और मैं निकल ही रहता हूँ भाई, पहली फुर्सत में सामने एक बंदा और मिल जाता है और भाई देखना इसने मेरे ऊपर क्या स्प्रे मारा। भाई लेटा हुआ था तो भाई मैंने इसके ऊपर फायर करा, लेकिन भाई लेटे हुए का स्प्रे आपको पता है कितना तगड़ा लगता है। तो भाई इसने मेरी बिल्कुल 1 HP छोड़ी थी और सामने मेरे पास था लैपटॉप। तो भाई मैंने फटाफट से फैसला करा, फटाफट से लैपटॉप लगाता हूँ और पीछे वाले का भी मेरे को ध्यान रखना था कि भाई वो मेरे कहीं डायनो बन के मेरे को पट से हेडशॉट ना मार दे। तो भाई मेरी बिल्कुल टट्टी निकल चुकी थी, मैंने कहा भाई गया कंटेंट। और सामने देखो कैसे साफ बन के बैठा हुआ है भाई। तो फटाफट से पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ और फिनिश करने के बाद मैं पीछे वाले को फिर से झांकने की कोशिश करता हूँ कि भाई कहाँ पे है यार ये बंदा, बहुत तंग कर रहा है पीछे वाला भी, क्योंकि ये काफ़ी देर से मेरे को तंग कर रहा था भाई। मतलब इसने मेरे को काफ़ी देर मतलब इरिटेट किया। तो भाई मैंने कहा किसी तरह मेरे को दिख जाए छोड़ूंगा इसको, लेकिन भाई वो मेरे को दिखता नहीं और पता नहीं वो दोबारा फायर कर रहा था मेरे पे कर रहा था या किसी और पे। तो मैंने कहा फाइनली छोड़ो इसको, और इतने मेरे को दिख जाता है सामने एक कमलेश आ जाता है डुन 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 करते हुए। तो भाई ये वाला शॉट कैसा लगा कमलेश को मारा मैंने जो, भाई मज़ा आया तो भाई लाइक कर दो, लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट से इसको लूटता हूँ, क्योंकि मेरे पास कमलेश की हरी वाली गोली अभी खत्म हो गई थी और पीछे से जोन भी आ रहा था, तो जोन मेरी पप्पी लेने वाला था मुझे पता है। और भाई लूट काफ़ी सही सही थी सब बंदों के पास, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैंने थोड़ी देर यहाँ पे पत्थर के पास वेट करा फिर भी कि वो पीछे वाला बंदा है, लेकिन भाई वो मुझे कहीं नहीं दिखता है। और इन्होंने मेरी गाड़ी भी पंचर कर दी थी, तो मैंने सोचा भाई फटाफट जैसी भी गाड़ी है जो भी गाड़ी है लेके निकल पड़ता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि भाई सामने किसी ने फ्लेयर चलाई थी दो दो आप देख सकते हैं। तो भाई मैंने बताया था ना आपको मेरे को फ्लेयर गन मिलती है इसमें भाई, मतलब सारी फ्लेयर गन मिलेगी खाली की खाली। तो जैसे कि आप इससे पहली फ्लेयर गन तो मेरे को मिल चुकी है, अब दूसरी फ्लेयर गन भी मेरे को मिलेगी, लेकिन फिलहाल आप देखना मेरे को AWM भी मिलने वाली है। और क्या मैं ये मैच जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, मतलब आपको क्या लगता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी गेस करके बताओ, आगे वीडियो स्किप करके मत देखना, वैसे बताओ कि क्या मैं मैच जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। तो भाई यहाँ पे आप देखते जाना भी क्या होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो भाई मेरे को पता चल चुका था कि आगे दो फ्लेयर है, तो भाई कोई ना कोई बंदा कैम करके बैठा ही होगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कैम तो करेंगे ही वो लोग। तो मैं इस घर से झांक रहा होता हूँ क्योंकि आगे ना दो स्क्वाड हाउस थे लगातार, ठीक है। पहला वाला स्क्वाड हाउस नीचे होता है, फिर एक ऊपर होता है, आपको पता ही है। तो वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी थी, मेरे को पता चल चुका था कि भाई कंफर्म बंदा है इधर, और ऊपर फ्लेयर गन चली है तो भाई वहाँ तो बंदा होना ही होना है। अब फाइनली मैंने डिसाइड करा था, यहाँ से मैं देख तो चुका था कि भाई यहाँ पे दो बंदे हैं अलग अलग जगह पे है, मतलब एक नीचे वाले स्क्वाड हाउस में है क्योंकि भाई गाड़ी खड़ी है तो कन्फर्म है, और ऊपर फ्लेयर चली तो भाई कन्फर्म है ही बंदा। तो भाई मैंने डिसाइड करा कि पहले मुझे नीचे वाले को मारना पड़ेगा, नीचे वाले पे अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर वाले पे जाऊँगा तो भाई नीचे वाला हमारा सैंडविच बना देगा। तो इसलिए जो मैंने डिसाइड करा नीचे वाले को देखने की, और मैं स्नाइपर से देख रहा था कि भाई कहीं से दिख जाए और M24 से शॉट मार दूँ और डायनेमो बन जाऊँ मैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेरे को दिखता नहीं है। और सामने मेरे को बंदा दिख जाता है जो फ्लेयर चलाता है, लेकिन भाई उसके ऊपर मैं रिस्क नहीं लेता इतनी जोर से, क्योंकि भैया उस पर AWM होगी। और भाई मैंने एक शॉट फिर भी मारने की कोशिश करी, लेकिन भाई वो बच जाता है। अब मेरे को पता था भाई अगर मैं ज़्यादा पंगे लूँगा तो भाई वो मेरी खोपड़ी खोल देगा, क्योंकि उस पर है AWM। तो मैंने डिसाइड करा भाई इस वाले बंदे पे जाता हूँ, और सामने मेरे को डासिया दिख गई थी तो मैंने कहा धूम मचाते हैं, सबसे पहले उसकी गाड़ी पे जाकर टक्कर मार देता हूँ घर पे। और भाई जैसे मैं इधर आता हूँ तो भाई सामने जो है बंदा भाई मुंडी लेके झांक रहा होता है खिड़की में से, और भाई मैंने कहा इसके ऊपर तो बम्बानी फेंकना बनता ही है, क्योंकि ये जो बंदा है भाई इसके ऊपर बम्बानी फेंकूंगा तो ये घबराएगा थोड़ा। और मुझे पता था वहाँ से खिड़की से निकल गया होगा, तो मैं जो है इस रूम में फेंकता हूँ नेट और शायद जो फूट जाएगा, लेकिन भाई मेरा नेट थोड़ा सा डिले हो जाता है और वो हवा में ही फूट जाता है। तो मैंने कहा चलो दूसरा नेट फेंकते हैं, और इस बार जो है मैं नेट परफेक्ट फेंकता हूँ भाई अंदर, लेकिन भाई फिर भी जो है वो नहीं फूटता है। तो मेरे को पता था अब वो घबरा चुका है, और अब देखना घबरा के उसकी टट्टी निकल गई थी और वो कहाँ पे बैठा होगा भाई। कसम से कैंप देखो, कैंपिंग लेवल 101% भाई, मतलब आप देखते जाओ भाई उसकी टट्टी निकल चुकी थी। और मेरे को पता चल चुका जब वो नर्वस है तो भाई फटाफट से उसको मार सकता हूँ। तो मैं फटाफट से जाता हूँ अंदर, और इसका नाम था पार्ले जी, मतलब भाई ये पार्ले जी खा के आया था गेम में, लेकिन G4 Genius मैं ही हूँ भाई, जी से मेरा नाम है गौरव, तो G4 Genius तो मैं ही हूँ भाई, पार्ले जी नाम रखने से तुम जीनियस थोड़े ना हो जाओगे। अब फाइनल दोस्तों बारी थी वो AWM वाले की, भाई AWM चाहिए मेरे को। तो मैंने डिसाइड करा कि भाई उसके ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर रश करेंगे, और सामने भी काफ़ी सारे बंदे थे तो उनको भी मारना था। अब भाई इस बंदे ने मेरे को काफ़ी सारा डैमेज दे दिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और भाई ये बंदा ना काफ़ी एग्रेसिव था, मतलब भाई लड़ने के मूड में था पूरा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं तकिया लगा रहा था तो भाई वो बंदा देखना भी नीचे कूद जाएगा, मतलब भाई वो बंदा काफ़ी सही था खेलने वाला, लेकिन भाई उसकी लैंडिंग गलत हो जाती है, मेरी कार के ऊपर जाती है और भाई को मैं फिनिश कर देता हूँ। तो भाई जैसे इसको मैं फिनिश करता हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो मुझे पता था उसके पास AWM है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे पट्टी लगाई थोड़ी देर ताकि ना मेरे कोई निकाल दे टट्टी, मतलब जो लास्ट बंदा बचा है, मतलब दो बंदे बचे हुए मेरे अलावा, तो भाई कोई भी कहीं भी हो सकता है सोलो में, आपको पता ही है। तो भाई मैंने फटाफट से यहाँ पे पट्टियाँ लगाई और मैंने कहा भाई आज तो चिकन डर हो जाएगा, मतलब आप लोगों को खुश कर दूंगा भाई मैं, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आज तो, आप लोग भी कहोगे गौरव भैया ने चिकन डर करके दिखा दिया। और फाइनली देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे AWM मिलती है भाई इससे, इस पे ऊपर ऑग भी होती है, लेकिन मैंने कहा क्या ही लेना ऑग भाई, क्योंकि लास्ट बंदा बचा था और भाई लास्ट बंदे के साथ ना मेरी क्या ही गड़बड़ हुई आप देख सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरे को दो फ्लेयर गन मिली थी इस गेम में, लेकिन भाई दोनों में एमो नहीं थी, लेकिन फाइनली लास्ट वाली फ्लेयर से देखा जाए मेरे को ड्रॉप भी मिल गया,
क्योंकि मेरे को AWM मिल गई और साथ में मेरे को जो है ऑग भी मिल गई। तो देखा जाए मैंने दोनों चीज़ ले ली, तो एक तरह से मेरे को दो फ्लेयर गन मिली थी भाई पूरे मैच में। और सामने आप देखना मेरी अब मतलब क्या ही होगा यार, मैं क्या बोलूँ। अब देखो सामने ना मेरे को पता चल चुका था कि सामने एक बंदा है जैसे कि आप देख सकते लेट के आया है और इसके पास भी AWM है। तो भाई मैंने देखो गड़बड़ क्या करी, मुझे लगा उसने मेरे को नहीं देखा, एक्चुअल में वो मेरे को देख चुका था। और ये देखना क्या हुआ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।